नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस यानी कि नेटवर्क प्रणालियों के बारे में। तो पहले हमने पढ़ा था नेटवर्क के कुछ मैंडेटरी कंपोनेंट्स, जो आवश्यक कंपोनेंट्स नेटवर्क में चाहिए ही होते थे, जैसे केबल हमने पढ़ा या फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा। तो ये जो कंपोनेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं, इन्हें छोटे नेटवर्क के लिए कंपल्सरी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनके बिना काम चलता नहीं है और कुछ परिस्थितियों में इनकी जरूरत हमको पड़ती ही है। यूं समझ लीजिए कि नेटवर्क में जिन प्रणालियों का हम उपयोग करते हैं वो नेटवर्क डिवाइसेस कहलाते हैं। कई सारे डिवाइसेस हैं, उनमें से कुछ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हब की। तो जब कभी दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना हो तो वो हब की सहायता से ही कनेक्ट होंगे। क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए कि तीन कंप्यूटर्स हैं, अब तीन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो तीनों में से अपनी अपनी केबल निकली, जैसे कंप्यूटर नंबर वन उसकी अपनी केबल आई कनेक्ट होकर, कंप्यूटर नंबर टू से उसकी खुद की एक केबल कनेक्ट होकर आई, कंप्यूटर नंबर थ्री से उसकी खुद की तीसरी केबल कनेक्ट होकर आई। अब इन तीनों केबलों को कैसे जोड़ें आपस में, मतलब एक छोर तो कंप्यूटर से जुड़ा है, जैसे कंप्यूटर वन से जुड़ी हुई कंप्यूटर का एक छोर, कंप्यूटर टू से जुड़ा हुआ उसके केबल का दूसरा छोर, कंप्यूटर थ्री से जुड़ा हुआ उसके केबल का तीसरा छोर। अब जो दूसरे छोर की हम बात करें, दूसरे एंड की, तो वो एंड हम कहां जोड़ेंगे, तो वो एंड जाकर जुड़ता है इन हब में। मैं इसको और थोड़ा, आप कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे तो मैं थोड़ा दिखा के एक डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, ये जैसे एक कंप्यूटर है, इससे ये केबल निकली, इस लैपटॉप से केबल निकली, इस लैपटॉप से भी ये केबल निकली। अब तीनों को आपस में कनेक्ट करना है तो ये जो दूसरा छोर जो है वो हम किस में लगाएं, तो दूसरा छोर जाके हब में कनेक्ट हो जाएगा। अभी आप इतने पोर्शन को मत देखिए, ये पोर्शन हम आगे बात करेंगे। फिर आप पोर्शन देखिए, केवल ये वाला, सिर्फ ये। अब ये देखिए, तीन डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं, एक छोर यानी कि केबल का एक एंड इससे जुड़ा है, अगली केबल का एक एंड इससे जुड़ा है, अगली केबल का एक एंड इससे जुड़ा है, दूसरा छोर हब से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, तीनों आपस में कनेक्ट हैं लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से कनेक्टेड नहीं है, वो हब के माध्यम से कनेक्टेड है। तो ये है हब का रोल यहां पर। तो जब भी कभी तीन कंप्यूटर, जैसे ये हब है, तो यहां पर ये हब जिसको मैं बड़ा करके दिखाता हूं साइज आपको, इसमें ये देखिए, ये रहा हब। तो ये हब जो है, अब यहां पर इसमें एक दो तीन चार पांच छ सात और एक ही आठ, तो ये तो अपलिंक का पोर्ट हो गया। ये फिलहाल इसमें कुल मिला के ये पोर्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें इनमें कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं, कंप्यूटर या डिवाइसेस लैपटॉप जोड़े जा सकते हैं। कभी इनसे ज्यादा संख्या में कंप्यूटर हो तो हब बड़ी कैपेसिटी का भी आता है, 16 कनेक्शंस वाला भी आता है, फिर 32 कनेक्शंस का भी हब आता है, 4 कनेक्शंस का भी हब आता है। तो आपको जितनी जरूरत हो उतने कंप्यूटर्स जोड़ने के लिए इस हब का इस्तेमाल करना होता है। तो यही बात यहां पर बताई हुई है। अ नेटवर्क हब इज यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क हब का प्रयोग किया जाता है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए, और लैन में इस तरह के कनेक्शन पॉइंट हमें चाहिए ही होते हैं जो कि हमें हब से रिसीव होते हैं। कुल मिला के यूं समझ लीजिए, सारे कंप्यूटर्स अपनी अपनी केबल के साथ इस हब में जाके जुड़ जाएंगे और वो आपस में कनेक्टेड होंगे, लेकिन इसके माध्यम से, जैसे मैंने आपको भी इस डायग्राम में बताया, तो ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं लेकिन हब के माध्यम से। तो ये था हब। अब हम बात करेंगे अगले नेटवर्क डिवाइस की, उसका नाम है ब्रिज। तो कई बार ऐसी भी आवश्यकता होती है जब हमें दो नेटवर्क आपस में कनेक्ट करने हो, जैसे मैं आपको ये डायग्राम से समझाता हूं। ये देखिए, ये रहा एक नेटवर्क, ये तीन कंप्यूटर आपस में अलग कनेक्टेड है और ये तीन कंप्यूटर आपस में अलग कनेक्टेड है। ये अलग नेटवर्क है, ये अलग लैन है और ये एक अलग लैन है। अब कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि इन दोनों लैन को, इन दोनों नेटवर्क को आपस में जोड़ना हो तो फिर इस ब्रिज की सहायता लेनी होगी। तो यूं समझ लीजिए कि ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से हम दो अलग अलग लैन को, दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ सकते हैं। यहां देखिए, ये रहा नेटवर्क वन, लैन वन, ये है नेटवर्क टू, लैन टू, और इनको जोड़ा गया है इस डिवाइस की हेल्प से, ब्रिज की सहायता से। तो यही बात यहां बताई हुई है, ब्रिज।
अ नेटवर्क ब्रिज इज अ कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट टू लैन, जिसकी सहायता से हम दो लैन को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. इट क्रिएट्स अ सिंगल एग्रीगेट नेटवर्क फ्रॉम मल्टीपल कम्युनिकेशन. यहाँ ये बात समझने वाली है कि जब ये दो नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो ये एग्रीगेट नेटवर्क कहलाता है. एग्रीगेट मतलब कॉमन नेटवर्क. कॉमन नेटवर्क मतलब ये अब आपस में कनेक्ट हो गए तो अब ये अलग अलग नहीं रहे, दिख अलग अलग रहे. ये अलग नेटवर्क दिख रहा है, वो अलग नेटवर्क दिख रहा है, लेकिन कनेक्ट होने के बाद अब आंतरिक रूप से ये कॉमन नेटवर्क हो गया है. मतलब इनका डेटा इनके लिए अलग नहीं है और इनका डेटा इनके लिए अलग नहीं है. तो ये है ब्रिज. ब्रिज के बाद अगली नेटवर्क डिवाइस की बात करें तो वो है राउटर. देखिए जो काम ब्रिज का है लगभग वही काम राउटर का भी है, यानी नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना. फिर से मैं बता दूं, जो काम ब्रिज का है नेटवर्क्स को जोड़ने का, ठीक वही काम राउटर का भी है नेटवर्क्स को जोड़ने का, लेकिन राउटर कुछ मायनों में ब्रिज से ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है. फिर से एक बार, राउटर कुछ मायनों में ब्रिज से ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि ये दो से ज्यादा नेटवर्क्स को जोड़ सकता है. पहली बात तो ये, दो से ज्यादा नेटवर्क्स को जोड़ सकता है, उस मायने में ज्यादा पावरफुल है ब्रिज से. दूसरी बात, इसका मोस्टली यूज होता है इंटरनेट से कनेक्शन लेने में. जब हम कभी इंटरनेट का घर में कनेक्शन लेते हैं तो हमें ब्रॉडबैंड का एक राउटर दिया जाता है, ब्रॉडबैंड का एक कनेक्शन दिया जाता है. जैसे मैं इस तरह बता देता हूं आपको, ये देखिए, ये जैसे आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया तो इंटरनेट की केबल हमको मिली और साथ में राउटर मिला. अब इस राउटर से केबल लगाकर आप एक कंप्यूटर चलाना चाहते हो तो ये केबल सीधी कंप्यूटर में जोड़ दो. इस इंटरनेट चलाना हो केवल एक कंप्यूटर में तो ये केबल इससे लगा के सीधे इस कंप्यूटर में जोड़ दो, ये इसकी जरूरत नहीं है. लेकिन यहां पर क्योंकि कोई व्यक्ति दो कंप्यूटर चलाना चाह रहा है, दो कंप्यूटर, तो फिर उसने हब लगाया, राउटर को जोड़ दिया हब से और हब से दो अलग कनेक्शन निकल गए. यहां देखिए एक दो तीन चार, ये कुछ स्लॉट्स खाली हैं, चाहे तो आप और कंप्यूटर भी जोड़ सकते हैं. तो ये इंटरनेट जो आ रहा है वो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा. यदि आप कुछ कनेक्शंस और जोड़ोगे तो ये उसको भी मिलेगा. तो ये यहां पर अब देखिए राउटर कैसे भूमिका निभा रहा है. एक तरफ तो राउटर के इंटरनेट है, अपने आप में एक वैन है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है, और एक तरफ अपना छोटा सा लैन. फिर से देख लीजिए, राउटर की एक तरफ इंटरनेट है जो कि वाइड एरिया नेटवर्क है और एक तरफ अपना छोटा सा ये लैन. इसी राउटर से आप ये दो आप देख रहे हैं एंटीना निकले, एंटीना ये वाईफाई के हैं. अब ये तो इंटरनेट चल ही रहा है, साथ में ये वाईफाई भी शेयर कर सकता है, तो आप लैपटॉप पे भी बिना किसी तार को जोड़े इस वाईफाई का यूज कर सकते हो, मोबाइल पे भी बिना किसी तार को जोड़े इस वाईफाई का यूज कर सकते हो, इंटरनेट का यूज कर सकते हो. तो कुल मिला के ये इस तरह से वर्क यहां पर करता है. अब वहीं ब्रिज में क्या समस्या थी मैं आपको बताऊं. समस्या नहीं कह सकते, ब्रिज की हम लिमिटेशन बोल सकते हैं कि ब्रिज में हम दो नेटवर्क को कनेक्ट तो करते थे, लेकिन ब्रिज में ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ इंटरनेट हो और एक तरफ हमारा नेटवर्क हो. ब्रिज की सीमाएं ये है कि पहली बात तो नेटवर्क दो ही होने चाहिए, दूसरी बात ये कि दोनों तरफ टोपोलॉजी समान होनी चाहिए. टोपोलॉजी आप अलग अलग नहीं रख सकते कि एक तरफ वैन हो एक तरफ लैन हो. जबकि राउटर इस मायने में ज्यादा पावरफुल है कि राउटर में हम एक तरफ इंटरनेट है. अब इंटरनेट की तो हम तुलना कर ही नहीं सकते ना अपने छोटे से लैन से. हमारे इस लैन में केवल दो नेट कंप्यूटर हैं और इंटरनेट पे अनगिनत कंप्यूटर हैं, तो इंटरनेट की टोपोलॉजी से हमारी टोपोलॉजी का तो कोई मेल ही नहीं है, हमारी टोपोलॉजी कुछ भी नहीं है इंटरनेट के सामने. तो राउटर एक तरफ तो इंटरनेट को मैनेज कर रहा है इतने बड़े नेटवर्क को, और एक तरफ हमारा छोटा सा नेटवर्क है. तो और तीसरा भी चाहो तो आप वाईफाई के थ्रू नेटवर्क एक बना सकते हो, आप हॉट मतलब मोबाइल पे शेयर कर लीजिए इंटरनेट, या फिर आप लैपटॉप पे शेयर कर लें. तो इस तरीके से राउटर ज्यादा कैपेबल है इन कंपैरिजन ऑफ ब्रिज. नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस है गेटवे. यहां पर मैं एक बात बता दूं कि जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं तो उसी तरह से उनकी कॉम्पेटिबिलिटी भी है. मतलब जैसे सबसे पहले हमने ब्रिज पढ़ा, ब्रिज का काम है नेटवर्क को कनेक्ट करना, राउटर का काम भी है नेटवर्क को कनेक्ट करना. यहां पर मैं गेटवे जो आपको पढ़ाने वाला हूं बताने वाला हूं उसका काम भी है नेटवर्क को कनेक्ट करना. ये सब समानता है, लेकिन सबसे कम कैपेसिटी का था ब्रिज, उससे ज्यादा कैपेसिटी का हमने पढ़ा राउटर, और उससे ज्यादा कैपेसिटी का है गेटवे. अब आप यूं समझ लीजिए
गेटवे की सहायता से भी हम डिसिमिलर काइंड के नेटवर्क्स को जोड़ सकते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा नेटवर्क्स हों, बहुत बड़े स्तर पे काम हो, तो इस तरह के गेटवे की हमें आवश्यकता पड़ सकती है। इस डायग्राम को देखकर मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे ये अलग अलग तरह के नेटवर्क्स हैं, ये एक राउटर लगा हुआ है, इससे दो लैपटॉप जुड़े हैं, ये अगला राउटर लगा है, इससे दो लैपटॉप जुड़े हैं, ये तीसरा राउटर, इससे दो लैपटॉप जुड़े हैं, ये एक राउटर है जिससे एक मोबाइल है और एक लैपटॉप जुड़ा हुआ है। अब देखिए, चार राउटर्स हैं यहाँ, एक दो तीन और ये चार। अब ये चारों राउटर्स जुड़े हुए हैं इंटरनेट से, लेकिन इंटरनेट से डायरेक्ट ये नहीं जोड़ सकते, इन्हें जुड़ने के लिए बीच में गेटवे की जरूरत होती है। जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल्स में मोटे मोटे तौर पर समझ लिया था कि ये राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, क्योंकि उस समय हमें गेटवे को लेके हमें पता नहीं था और ना हम उस समय उसकी बात करना चाह रहे थे। तो ये राउटर जो इंटरनेट से कनेक्ट है तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकता, आप यूं समझ लीजिए। राउटर इंटरनेट से हमेशा कनेक्ट होगा गेटवे की सहायता से, कुछ इस तरह से। ये राउटर जितने भी हैं, देखिए ये सारे इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और गेटवे की सहायता से कनेक्टेड हैं। इसमें ये जो सॉलिड लाइंस हैं, ये वायर्ड लिंक हैं। वायर्ड लिंक मतलब केबल वाले, केबल लाइन वाले। और ये जो डॉट 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 वाले हैं, ये वायरलेस लिंक्स हैं। तो कुल मिला के वो इस तरह से बताना चाह रहे हैं कि जो हमें गेटवे से हमें इंटरनेट मिलता है, तो हम केबल के थ्रू भी उस सर्विस को ले सकते हैं और बगैर केबल के भी ले सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि नेटवर्क केबल वाला भी हो सकता है, बगैर केबल वाला भी हो सकता है। जैसे आप इंटरनेट केबल के माध्यम से भी चला सकते हो, बगैर केबल के माध्यम से भी चला सकते हो। तो ये उनने एग्जांपल दिया है कि ये कोई मैटर नहीं है, आप चाहें तो केबल के माध्यम से सप्लाई लें, आप चाहें तो बगैर केबल के माध्यम से सप्लाई लें, राउटर दोनों तरह से समर्थ है। ये मैंने आपको राउटर के बारे में भी बताया था। ये देखिए राउटर, ये केबल दी हुई है इसने इंटरनेट की। और किसी किसी को लगता है कि हमें केबल से नहीं चाहिए, तो ये एंटीना लगे हुए हैं, इस एंटीना के थ्रू भी इंटरनेट एक्सेस हो सकता है बगैर किसी केबल के। तो इंटरनेट केबल से भी चल सकता है, बगैर केबल के भी। राउटर दोनों तरह से सक्षम है, वो केबल के थ्रू भी कनेक्शन दे सकता है, बगैर केबल के भी कनेक्शन दे सकता है। खैर, ये राउटर जितने भी आप देख रहे हैं, और ये राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, और किसके माध्यम से कनेक्टेड है, ये सब गेटवे के माध्यम से कनेक्टेड है। मोटे तौर पर मैं आपको समझा दूं कि जब हम लोग जैसे कोई इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, मान लो हमने किसी कंपनी से इंटरनेट कनेक्शन लिया, जिस कंपनी से हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं उसे ISP कहते हैं, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि ISP क्या होता है, तो आपको बताना है ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट सेवा प्रदाता। यानी जिस कंपनी से हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं वो ISP कहलाती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाती है। तो ये यूजुअली जो गेटवे है वो उनके पास होता है, कंपनीज के पास, और इस गेटवे के माध्यम से ही वो हम लोगों को ये राउटर प्रोवाइड करते हैं। गेटवे के माध्यम से ही राउटर प्रोवाइड करते हैं, और फिर हम उन राउटर के माध्यम से अपने डिवाइसेस पे इंटरनेट चलाते हैं, कंप्यूटर पे, लैपटॉप्स पे, मोबाइल्स पे। तो यहाँ देखिए, ये गेटवे भी कनेक्शन का ही काम कर रहा है, एक तरफ इंटरनेट है, दूसरी तरफ ये कई सारे राउटर्स दे रखे हैं। तो ये चीज यहाँ बताई हुई है गेटवे के बारे में। गेटवे एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डिसिमिलर काइंड के नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करती है। गेटवे का नाम इसलिए भी गेटवे होगा क्योंकि यहीं से इंटरनेट के डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होती है, यही एंट्री है और यही एग्जिट पॉइंट है नेटवर्क का। यही चीज यहां बताई है कि गेटवे इज अ नेटवर्क कंपोनेंट दैट वर्क्स एज एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ द नेटवर्किंग सिस्टम। गेटवे ही एक ऐसा नेटवर्क कंपोनेंट है जो एंट्री और एग्जिट का काम करता है, यानी यूं समझ लीजिए कि इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन की कहीं ना कहीं शुरुआत की कड़ी यही है गेटवे। तो कुल मिलाकर नेटवर्क डिवाइसेस में हमने कई डिवाइसेस पढ़ी, सबसे पहले हब, उसके बाद ब्रिज, उसके बाद राउटर, और उसके बाद फिर गेटवे।